एक तरफ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार व अवैध कब्जे को खत्म करने की बात कर रही, तो दूसरे भ्रष्टाचार अवैध कब्जे करने का सिलसिला जारी है। जहां तेजी से इसको खत्म करने का नियम कानून बन तो रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं अधिक तेजी से इसको तोड़ने वालों के दिमाग का प्रयोग रहा है। भ्रष्टाचारियों भूमाफिया नए नए तरीकों से जमीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इतने सख्ती के बाद भी लोगों में कोई डर नहीं। अब तक तो बड़े भूमाफिया ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब ग्राम प्रधान भी ग्राम सभा की जमीनों को कब्जा लेने की कोशिश में है, जिसकी कोई भनक ग्रामीणों को नहीं, लोगों को गुनहगार कर ग्राम प्रधान ग्राम विकास पर अपने रोटी सेकने में लगेगा। ऐसा ही मामला खंड विकासवासी जनिया ज्योत का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से झूठ बोलकर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया है। ग्रामीणों की माने तो जमीन पर प्रधान ग्रामीणों से शौचालय बनवाने की बात करता था, वहां उसने अपना दुकान बना लिया और उसका भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध शुरू किया। वहीं प्रधान इस जमीन को बचाने के लिए अब एक नायाब तरीका निकाल रहा है, इस दुकान को एक मंदिर के रूप में बना दिया है, जिसको उसको तोड़ा ना जा सके। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। सर, एक मामला जनिया ज्योत का है, वहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान जी ने जिस जमीन पर शौचालय बनवाना था उस पर उन्होंने दुकान बनवा दिया है। सर, इस बारे में क्या कहना है सर आपका? जैसा कि आपके माध्यम से पता चल रहा है कि हाँ, प्रधान द्वारा ऐसा कोई सरकारी जमीन का अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो मैं अभी दो दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो तत्काल इसमें संज्ञान ले करके उसको परीक्षण करा ले रहा हूँ रिकॉर्ड के साथ में लेखपाल के द्वारा। और अगर जो 132 की लैंड पाई जाती है, अवैध इंक्रोचमेंट पाया जाता है, तो तत्काल उसे हटाया जाएगा। अब्दुल करीम, ये बताइए क्या मामला है शौचालय को लेकर के? शौचालय सर, पहले प्रधान जी ये बता रहे थे सारे समाज को, जो भी पूछ रहे थे ग्राम सभा के लोग, कि ये क्या बन रहा था, ये कह रहे थे कि शौचालय बन रहा है। अब शौचालय से ये हुआ कि निर्माण हो रहा है, तो जब निर्माण में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो ये हुआ कि मंदिर बन रहा है। अब मंदिर बनने के बाद में पता ये चला कि सारी जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ये जमीन किस चीज़ की है, ग्राम सभा की है या? ग्राम सभा की जमीन है सर, 132 की लैंड है, नक्शे में भी दर्ज है सर, देखिए। और ये जहाँ जमीन, जहाँ से ये बैनामा उठा के कराया गया है सर, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, ना जगह की कोई तरमीम है। तो क्या इस जगह के लिए लेखपाल वगैरह आए इस जांच के लिए? सर, ये सब अधिकारियों, आला अधिकारियों के सर कुछ मिली भगत से है ये। तो यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए जांच के लिए? सर कल आए थे, अभी वो रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। नायब तहसीलदार आए थे सर, अभी रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। तो आपने इसकी शिकायत आगे कहीं उच्च अधिकारियों से की? अभी नहीं की है सर, अभी एक ही शिकायत हुई है। संजय यादव, ये बताइए क्या मामला है? ये जो है पहले लेटरिन कहके बनाया गया, पूरे गांव के लोग ये जान रहे हैं कि शौचालय बन रहा है, लेकिन बाद में जो है इसको घर, मतलब दुकान बना लिया गया, बाद में कहा गया कि यह मंदिर निर्माण हो रहा है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? ये शिकायत किया गया है, कल आए थे नायब तहसीलदार, जो है अपना रिपोर्ट अभी नहीं लगाए हैं, आए बिना किसी से पूछताछ किए, वो अपना चले गए, किसी से कोई जानकारी नहीं। तो ये जमीन क्या ग्राम सभा की है या किसी के बैनामे की जमीन है? इसका बताया जा रहा है 132 का जमीन है। ग्राम सभा की जमीन या किसी के बैनामे की जमीन या प्रधान द्वारा खरीदी हुई जमीन है? ये जो है 132 की जमीन बताया जा रहा है, और ये जो है ग्राम सभा की जमीन थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो है लेखपाल द्वारा किया, कहा जा रहा है कि बैनामा किया गया, लेकिन बैनामा कहीं और करा के यहाँ का कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, ये जमीन किसी और की है और बैनामा कहीं और हुआ है? जी। ये प्रधान द्वारा क्या, मतलब अवैध कब्जा है या? जी। क्या नाम है आपका? कलाम साहब। ये कौन सा ग्राम सभा है? जनिया जो। क्या मामला है आपके? अब साहब, बनत रहा लैटरिन और बन के मकान तो भी है, समस्या हो, हमारे लोग तो भाई पढ़ा लिखा हम नहीं चाहे जो बने। तो ये कौन बनवाया है? प्रधान जी। कौन है प्रधान? रमेश। तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं कि ये शौचालय के लिए जब था तो फिर? साहेब ये कहें कि जो है हम बनवाई थे, जब बन गया है तब ओकरे बाद में कहीं नहीं किया, कहा था जो है हम शौचालय बनवाई थे, हमको घर मकान बनवाई, तो क्या करी हमारे लोग।